दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी और उनकी पत्नी के संबंध में एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहे हैं। ये कहानी समर्पित है उन लोगों के लिए जो है शादीशुदा। जी हाँ दोस्तों, शादीशुदा व्यक्तियों के लिए, पति पत्नियों के लिए गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा की एक अनोखी प्रेम कथा इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। छोटी सी कहानी है, पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छा रोचक प्रसंग है, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो खुले दिल से लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कस्तूरबा और गांधी जी का विवाह बहुत ही कम आयु में हो गया था। उस समय सभी लोग गांधी जी को बापू कहा करते थे और कस्तूरबा यानी कि उनकी पत्नी को बा कहकर पुकारा करते थे। बा ने जहाँ स्वयं को पूरी तरह गांधी जी के अनुरूप ढाल लिया था, वहीं गांधी जी भी उनके बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर पाते थे। अब बात है उन दिनों की, जब बा की सेहत कुछ खराब चल रही थी। बा की सेहत खराब चल रही थी तो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन कमजोरी के बावजूद भी वह अपना सारा काम जारी रखे हुए थी, सारा काम किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे बीमारी के कारण उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी और एक समय ऐसा आया कि वो चाहकर भी अपने काम को नहीं कर पा रही थी। जब गांधी जी ने बा की हालत को बिगड़ते हुए देखा तो वह स्वयं उनकी देखभाल के लिए लग गए, स्वयं उनकी देखभाल करने लगे। बीमारी के क्षणों में बापू बा को एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा करते थे। हालांकि लाख प्रयासों के बावजूद वो ठीक ना हो सकी। इस पर गांधी जी ने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और अंतिम समय में बा को निमोनिया सा हो गया। उनके मुंह में जल्दी जल्दी बलगम जम जाती थी जिसके कारण उन्हें बार बार थूकना पड़ता था। और गांधी जी ऐसे समय में जब भी बा के पास होते थे, स्वयं रुमाल से उनका मुंह पोंछते थे और उस रुमाल को स्वयं ही धोते थे। अनेक सेवक, अनेक नौकर बा का काम करने के लिए वहाँ तैयार रहते थे और वो गांधी जी से ऐसा करने के लिए मना भी करते थे, पर गांधी जी थे कि उन लोगों से हमेशा कहते थे, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, ईश्वर ने मुझे बा की सेवा का जो अवसर दिया है मैं उसे अमूल्य मानता हूँ और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। गांधी जी की इस बात को सुनकर सभी सेवक निरुत्तर रह जाते थे और पत्नी के प्रति उनका असीम प्रेम श्रद्धा भाव देखकर नतमस्तक हो उठते थे। उस समय गांधी जी ने अपनी पत्नी की सेवा की जो मिसाल कायम की है, वह आजकल सब दंपतियों के लिए, सभी पति पत्नियों के लिए एक उदाहरण है। तो बस यह एक लघु कथा थी जो यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, इस लघु कथा से आपको कुछ सीखने को मिला तो होगा ही होगा। तो यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।